मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में, रहस्यमय जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी करते हैं रासलीला। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भगवान श्री कृष्ण करके कमेंट जरूर कीजिए। देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है, यानी कि जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ये जन्माष्टमी जो है 29 अगस्त की रात को जो है 11:25 पे शुरू हुई और हर जगह पर रासलीला के लिए सब मंदिर सजाए गए, कृष्ण के भजन लगाए गए, कृष्ण के लिए माखन लाके दिया गया, वहां पर काफी सारी झांकियां लगाई गई, काफी सारी चीजें की गई। इसी दौरान ही ये जो उत्सव है 30 अगस्त रात को 1:45 बजे तक खत्म होगा। बताया जा रहा है कि एक ऐसी जगह है जहां पर बताया जाता है एक ऐसा जंगल है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा और गोपियों के साथ आज भी आते हैं और वहां का आनंद लेते हैं और वहां पर रासलीला करते हैं। वृंदावन की जो भूमि है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए काफी ज्यादा खास है और उसी दौरान ही वहां पर निधिवन आज भी काफी ज्यादा रहस्य बना हुआ है। ये निधिवन एक जंगल है जहां पर जड़े तो काफी ज्यादा मजबूत है पर वहां पर पेड़ काफी ज्यादा खोखले हैं, पर पेड़ जो है हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। ये एक काफी ज्यादा बड़ा एक रहस्य है। वहां पर कोई जानवर भी ज्यादा तौर पर पाया नहीं जाता है। वहीं पर एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है और विष्णु महात्मा का भी मंदिर है। बोला जाता है कि इसकी भी बहुत ही खास वजह है और काफी सारे लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर आते हैं अपनी गोपियों के साथ और अपनी राधा के साथ यहाँ पर रासलीला करते हैं, क्योंकि उनका इस भूमि से काफी अटूट संबंध है। तो आई होप गाइस आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण करके कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।